ये आकाशवाणी है। आज जो नाटक हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नशा। ये नाटक कथा सम्राट प्रेमचंद की इसी शीर्षक से लिखी कहानी का नाट्य रूपांतर है। रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं विनोद कुमार और निर्देशन किया है विजय लक्ष्मी शर्मा ने। तो लीजिए सुनिए नाटक नशा। अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई, ये लोग भी ना। अरे ईश्वरी, ईश्वरी उठ जा, अलार्म बज गया, उठ जा भाई, चल नहाने के लिए चल, लाइन में लगना पड़ता है। अरे यार, अरे उठना, थोड़ी देर तो और सोने देता। चल भाई, चल 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 चल। जल्दी भाई, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। जल्दी चलो, नाश्ते का टाइम हो गया, चलो। ये लो बच्चों, अपनी अपनी थालियां पकड़ो, लो लो खाओ, सीधे बैठो वहां, थोड़ी सब्जी और डाल दीजिए। ओहो, ये कैसा खाना बनाया है, कुछ और नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है भैया, खाना है तो यही खाना है। रोज रोज मैं ये सब नहीं खा सकता हूँ। अरे इसमें क्या कमी है भाई, भूख में तो सब अच्छा लगता है। ईश्वरी तू खा ले, मुझे नहीं खाना। हाँ भाई, तू एक बड़े जमींदार का लड़का है ना, और मैं ठहरा एक गरीब क्लर्क का लड़का। मुझसे पूछ कि कितनी मेहनत और मजदूरी करने के बाद भी अपनी इच्छा का कुछ भी नहीं मिलता। अरे भाई तुझे क्यों बुरा लग रहा है, मेरी मर्जी, जमींदारों की शान ही निराली होती है, ये तू नहीं समझेगा। मैं जमींदारों के बारे में सही सोचता हूँ, दरअसल वे हिंसक पशु और खून चूसने वाले जोंक ही होते हैं। और नौकरों को कभी सर पर नहीं बिठाना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी बात ना माने। बिना दंड दिए तो ये किसी की बात ना सुनते हैं और ना ही समझते हैं, हर बात को बार बार समझाना पड़ता है। हाँ, मैंने देखा है कि अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है ना, वो तुम में भरपूर है। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर कर दी या दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ तो तू अपने आपे से बाहर हो जाता है, ये सब क्या है, है? अरे भाई बस भी कर, अब बहुत हो गया, चल शांत हो जा, अब ठीक है ना? हाँ। वकालत बंद कर और खाना खा ले। अच्छा ठीक है। चल कैसी अजीब बात है, ईश्वरी किसी को कुछ समझता ही नहीं है, अपने पैसे के घमंड में चूर रहता है, नौकरों और गरीब लोगों से तो ऐसे बात करता है जैसे कि वे उसके सामने कुछ हो ही नहीं। लेकिन एक बात तो जरूर है, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मैं उससे क्या कुछ नहीं बोलता, हमेशा जमींदारों की उसके सामने बुराई करता रहता हूं, मगर वो हाँ थोड़ी बहुत तो बहस करता है, लेकिन जब देखता है कि मैं अपने आपे से बाहर हूं तो बात बदलते हुए मुस्कुरा देता है। मुझसे उसका व्यवहार सौहार्दपूर्ण और नम्रता से भरा हुआ होता है, शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा होती जो उसमें हैं, क्योंकि मेरा प्रेम लोक सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होता तो शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय है। अरे वीर। हाँ सुन, दशहरे की छुट्टियां आने वाली हैं, तू भी घर जाएगा ना माँ बाबा के पास? हाँ हाँ हाँ, देखता हूँ। इसे कैसे बताऊं कि मैंने ये निश्चय किया है कि मैं दशहरे की छुट्टियों में घर नहीं जाने वाला हूँ, मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं है,
और मैं अपने घर वालों को और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए वो जो कर रहे हैं उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। मगर इस तरह बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने का भी जी नहीं चाहता है। क्या करूं? क्या सोच रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। तू बता क्या बोल रहा है, तू बता। मैं ये बोल रहा था कि अगर तू अपने घर नहीं जा रहा है तो क्यों ना मैं तुझे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। बोल क्या बोलता है। हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहा है तू। इसी बहाने परीक्षा की तैयारी भी खूब अच्छी हो जाएगी। एक बात तो है, ईश्वरी अमीर ज्यादा होने के साथ साथ मेहनती और जहीन भी है, इसलिए मुझे इसके साथ पढ़ना बहुत पसंद है। चलो अच्छा है। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बहुत बुरा लगेगा। वो लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता ना लगेगा। तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ मैं समझता हूँ। अच्छा हुआ कि ईश्वरी ने कदाचित इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता और उसके साथ न जाने का मन बना लेता। खैर देखते हैं। चल भाई चलते हैं। ये हुई ना बात। अरे सुन वीर, हमारा टिकट सेकंड क्लास का है, तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी ना? मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, सेकंड क्लास तो क्या, मैंने तो कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया, आज मुझे ये सौभाग्य भी मिला। अरे नहीं दोस्त, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे करो। ठीक है। नहीं नहीं, लगता है हम कुछ जल्दी आ गए हैं यहाँ पर। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। घर जाने की खुशी इतनी ज्यादा है कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। ट्रेन तो वैसे भी 9 बजे की है। रिफ्रेशमेंट रूम में चलते हैं, खाना भी हो जाएगा और टाइम पास भी। बोलो क्या कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही रहेगा, चलो बैठो। हाँ बोलो क्या लोगे? अरे कुछ भी ले लेंगे। कुछ भी? हाँ। अरे भैया सुनो। जी बोलिए सर, क्या लेंगे आप? वीर तुम बताओ। अरे कुछ भी अच्छा सा लगा दो, लेकिन जो स्वादिष्ट हो वही लेकर आना, ठीक है ना? जी। देखो तो मुझे कैसे देख रहा है, लगता है इसने मेरी वेशभूषा से अनुमान लगा लिया है कि कौन मालिक है और कौन पिछलग्गू। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छा और प्रसिद्ध है वो लेकर आओ। जी अभी लगा देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए सर, और कुछ चाहिए हो तो बोल दीजिएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मुझे इसकी ये अदा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ये केवल ईश्वरी पर ही ध्यान दे रहा है। अरे ये क्या भी, तुमने खाना शुरू नहीं किया? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कुछ सोचने लगा था, मैं खाता हूँ। अरे सोचना वोचना बंद करो, खाना खा लो, बहुत टेस्टी है। मजा आ गया खाना खा के, बहुत बढ़िया। अरे भैया। जी सर। बिल ले आओ। ये लीजिए सर। ये लो, और ये बाकी तुम्हारी टिप। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मुझे तो खाना जरा सा भी स्वादिष्ट न लगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को जो वेतन मिलता है उससे कई गुना अधिक तो ये खानसामा इनाम और इकराम कमा लेता होगा। लगता है खानसामा ये सोच रहा है कि मैं भी कुछ दूँ, मगर मेरे पास तो। एक बात तो है, इसे पता था कि पैसे वाला कौन है, इसीलिए ईश्वरी की एक आवाज पर खानसामा भाग भाग कर आता था और मैं बोलता रहता था, मगर। अरे ये लो ट्रेन आ गई, चलो जल्दी चलो। हाँ अरे ट्रेन छूट ना जाए, जल्दी चलो, आओ जल्दी आओ, आओ लाओ ये थैला पकड़ो, आओ लो चलो।
हटो भाई हटो, आओ अंदर आ जाओ। नमस्ते साहब, अब फिर आइएगा। देखा वीर कितने तमीजदार है ये सब। अरे हमारे यहाँ नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं है उनको। हाँ सही कहा भाई तूने, पैसे की माया है भाई, तभी तो मेरी तरफ उन लोगों ने देखा तक नहीं। हाँ भाई, अगर तुम अपने नौकरों को इसी तरह रोज 8 आने इनाम में दिया करो तो शायद वो लोग भी इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। तो तुम क्या समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? नहीं नहीं कदापि नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। अरे ये दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। जी हाँ मैं जानता हूँ, और इतना तो एक सेवक को भी पता होता है। आप बैठिए। मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए था। ओफो, अब मुझे कितनी शर्म आ रही है बता नहीं सकता मैं भी ना बिल्कुल ही। वीर हाँ। ध्यान से उतरना। हाँ। अरे वो रहे हमारे आदमी। हाँ। चलो भाई जल्दी करो। हाँ चलो चलो। अरे हमारा स्वागत करने के लिए इतने आदमी खड़े हैं, ये दोनों भद्र पुरुष हैं और 5 बेगार। लाइए छोटे मालिक, सामान मुझे दीजिए। आइए छोटे मालिक, आपका स्वागत है। हाँ धन्यवाद। ये सामान भी रख लो। छोटे मालिक, ये बाबू साहब कौन है? क्या आपके साथ पढ़ते हैं? हाँ साथ पढ़ते हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आपकी बदौलत ही मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, अब की बार इन्हें जबरदस्ती लेकर आया हूँ। इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं साहब। अरे पूछो मत, ये जनाब महात्मा गांधी के भक्त हैं, तो इसीलिए खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, और तो और पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कि अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है, कोई भाप नहीं सकता। बिल्कुल, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाढ़े की मिर्जई और चमरोधे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। ईश्वरी बस भी कर, बहुत झूठ हो गया। प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपता रहता हूँ। मालिक घोड़े आ गए हैं, आइए बैठिए मालिक। ठीक है चलो वीर। ईश्वरी हम घोड़े पर जाएंगे? तुमको पैदल जाना है क्या? चलो बैठो। हाँ हाँ। अरे बाबा मैं तो कभी घोड़े पर बैठा ही नहीं, और मैं घोड़े पर कैसे बैठूं? मेरी तो हालत खराब हो रही है, मुझे तो बैठना भी नहीं आता घोड़े पर, क्या करूं? मेरी तो बोटी बोटी कांप रही है। लेकिन जो भी है, मुझे इन सब के सामने तो अपने आप पर काबू रखना होगा, अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दूंगा। खैरियत यह है कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं किया, वरना मैं शायद अपने हाथ पांव तोड़वा चुका होता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। कैसा लग रहा वीर घोड़े पर? अच्छा लग रहा है। लो घर पहुंच गए। अच्छा अरे बाप रे, ये ईश्वरी का घर है? मानो घर नहीं ये किला हो। इमाम बाड़े का सा फाटक और द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, और नौकरों का तो कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पे। अरे एक हाथी भी बंधा हुआ है। अरे घर के सभी लोग जल्दी जल्दी आओ, अरे देखो अपना ईश्वरी आ गया है। अरे अरे मेरा ला, मेरा बेटा। नमस्ते माँ। नमस्ते पिताजी। अरे चाचा जी कैसे हैं आप? और ताऊ जी को प्रणाम। कैसे सब लोग? अरे ये कौन है? पिताजी ये मेरा मित्र है वीर जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते बेटे, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। अच्छा किया तुमने जी ईश्वरी के साथ आए, हमें बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलो आप कुछ देर आराम कर लो। जी लगता है ईश्वरी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर मेरी तारीफ कर दी है, इसीलिए घर के सभी सदस्य मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। एक बात तो है, हैं तो देहात के जमींदार,
लाखों का मुनाफा कमाने वाले, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझते हैं। देखो ना, सभी लोग मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। चलो भी कमरे में चलते हैं। हाँ आराम कर लो यार थोड़ी। हाँ ईश्वरी, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों परीद कर रहे हो? तुमको पता है यहाँ सब गधे हैं, इन गधों के सामने ऐसी नौटंकी जरूरी थी, अरे नहीं तो तुमसे यहाँ कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। ओ कौन है वहां पर? कुंवर साहब, मैं मालिश वाला। हाँ हाँ आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ। बोलो। हुकुम, बड़े मालिक का आदेश है, आप लोग थक कर आए होंगे, तो आइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। हाँ हाँ ऐसा करो, पहले बड़े कुंवर साहब के पैर दबा दे, उसके बाद मेरे दबा देना। जी जी आइए आइए कुंवर साहब, आप लेट जाइए यहाँ पे, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है वीर, पैर दबा। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हो। मैं तो इसे हमेशा से अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, और आज आज मैं झूठ मूठ का रईस बनने का स्वांग भर रहा हूँ। अरे अरे कोई जाकर बच्चों को भी तो बुलाकर ले आओ। जी मालकिन, अभी बुलाता हूँ। कुंवर साहब, आप दोनों को नीचे भोजन के लिए मालकिन बुला रही हैं। ओ 10 बज गए हैं। अरे जी इतनी जल्दी? हाँ यार, यहाँ पुरानी सभ्यता के लोग हैं, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुँच पाई है, लेकिन भोजन के लिए बुलावा आ गया। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। हाँ। स्नान करके। जी कुंवर साहब। चलो भाई स्नान आदि कर लो। हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम जाओ। चल ठीक है, पहले मैं जाऊँ। अब मैं भी जाता हूँ, स्नान करके जल्दी आता हूँ। वैसे तो मैं अपनी धोती खुद ही छांटता हूँ, प्रेम ने छटवाने के लिए रखी है तो मैं भी रख देता हूँ। अगर मैंने खुद छांटी तो कहीं ये लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। ईश्वरी, हॉस्टल में तो हम लोग जूते पहनकर ही जा डरते हैं, और यहाँ? अरे भाई घर घर है और हॉस्टल हॉस्टल है। हाँ ये तो है। ये कौन सा? आपके पैर धुलवा लीजिए। ये लो वीर, तुम भी पैर धुलवा लो। हाँ आइए मालिक। आज मेरे वो विचार कहाँ चले गए पता नहीं। चलो आओ बेटा आओ, बैठो आप दोनों। जी। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, बच्चों के लिए खाना लगाओ। जी मालकिन, आइए अभी अभी लीजिए अभी लीजिए। वाह खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। हाँ माँ, सच में हॉस्टल का खाना खा खा कर बोर हो गए थे, आज काफी दिनों बाद घर का खाना मिला, बहुत मजा आ रहा है। हाँ मेरे बच्चों, ये लो अच्छे से खाओ। हाँ, बस बस और मत दीजिए। बस 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 लेना, थोड़ा सा लेना, ये ले। बहुत अच्छा है। हलवा हलवा भी खाओ। अरे हलवा भी मुझे मत दीजिए। बस बस अभी राम। हाँ चलो। राम राम काकी। अरे राम राम, कैसे हैं आप लोग? अरे सब कृपा है आप लोगों की। अरे लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग नदी के किनारे जा रहे हैं, है? मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ चलो फिर तो चलो। ये लो पकड़ो कांटा। लाओ इसको ऐसे पकड़ के डाल दूं। हाँ बिल्कुल ठीक। अब इसको पकड़ के बैठ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है।
कुछ फंस गया, फंस गया। अरे वाह मछली फंस गई। अरे तुमने कर दिखाया अभी। अरे वाह वाह मछली फंस गई है, निकालो इसको, निकालो। बड़ी भारी है ये तो। ये रही मछली। अरे कितनी बड़ी है भाई ये तो। अरे तुम सब लोग कहाँ हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लो ये मछली पकड़ो। भाई मैंने पकड़ी है ये। और सुनो गाड़ी निकालो। अभी लाया कौन सा वीर? अब तुमको गाँव के जंगल की सैर करवाता हूँ। अच्छा, और फिर पक्षियों का शिकार भी करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कितनी चिड़िया उड़ रही है देखो। ये कौन सी चिड़िया है? वो जा रही है? है? तीतर। अच्छा तीतर, ऐसा होता है? कौन सा? वो देखिए तीतर जा रहा है। हाँ मैंने देख लिया। मैं निशान लगाता हूँ। हाँ लगाओ लगाओ। देखा मेरा निशाना? अरे गिर गया। क्या बात है, क्या बात है, एक ही निशाने में। भाई वाह, चलो चलो चलते हैं यार। ईश्वरी बहुत घूम लिए है ना। अच्छा ये बताओ कैसा लगा तुमको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं हॉस्टल से कुछ और ही सोचकर निकला था। क्या सोचकर निकले थे? यही कि देहात गांव में एकांत में जम के पढ़ाई करेंगे हम दोनों। मगर यहाँ तो गांव के सैर सपाटे में कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला। कभी नदी किनारे, कभी शिकार पर, कभी मछलियां पकड़ रहे हैं, तो कभी पहलवानी देखने के मजे हमने ले लिए। और देखते ही देखते छुट्टियां भी खत्म होने को आ गई। यहाँ तो ऐसे ही होता है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं धरती पर ही नहीं हूँ। अब इन सब नौकरों को ही देख लो, नौकरों का एक घेरा तो हमें हमेशा घेरे रहता है। अपने हाथ पांव हिलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, केवल जबान हिला देना काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने के लिए हाजिर, लेटो तो दो आदमी पंखा हिलाने को खड़े हुए हैं। मैं तो महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर हो गया। भीतर से बाहर मेरी धाक है, नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर सा नाराज ना हो जाए। बिछावन ठीक समय पे लग जाए, कुंवर सा के सोने का समय आ गया। इन नौकरों को मेरी कितनी चिंता रहती है, जबकि ईश्वरी खुद से बिस्तर लगा लेता, मगर कुंवर मेहमान कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बड़ा बट्टा लग जाएगा। मैं तो ईश्वरी से भी नाजुक दिमाग बन गया हूँ। अच्छा हाँ वीर। हाँ आज रात मुझे एक जगह दावत में जाना है। अच्छा तुम भी चलोगे साथ? नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा, तुम जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं चला जाऊंगा। हाँ हो, ये सब नौकर कहाँ चले गए? लैंप भी नहीं जलाया अभी तक। वैसे तो दिया सलाई भी यहाँ रखी हुई है, लैंप भी है, मगर मैं नहीं जलाऊंगा। ईश्वरी भी कभी खुद लैंप नहीं जलाता। अरे कुंवर साहब, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? अरे तुम लोगों को इतनी भी तो फिक्र नहीं है कि शाम हो गई और आकर लैंप जला दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ गुजर कैसे होता है, मेरे यहाँ तो घंटा भर भी निर्वाह नहीं होगा। जी माफ कीजिएगा, देखा नहीं था। अच्छा वो पानी पकड़ा मुझे जरा, पानी दो, बड़ा पानी। जी जी हुजूर, ये लीजिए। जी मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? हाँ हाँ आइए आइए ठाकुर साहब, बैठिए। कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? हुजूर यहीं से जा रहा था तो पता चला कि अभी तक आप लोग यहीं हैं, तो मिलने चला आया हुजूर। अच्छा बहुत अच्छा किया आपने। सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। हुजूर लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। अरे फिर जमींदारों की जरूरत क्या है? अरे ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवाय और करते क्या हैं? तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? बहुत से लोग तो खुशी से दे जाएंगे, और जो लोग खुशी से नहीं देंगे उनकी जमीन तो छीननी ही पड़ेगी। अच्छा हम लोग तो तैयार बैठे हैं, ज्यों ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम कर देंगे। अच्छा हुजूर, सरकार आजकल तो जमींदार लोग बड़ा जुलूम करते हैं, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो सरकार हम आपकी सेवा करते रहेंगे। देखो अभी तो मेरा कोई इख्तियार है नहीं भाई, लेकिन ज्यों ही इख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखा कर तुमको अपना ड्राइवर रख लूंगा। हुजूर आपका इकबाल बुलंद रहे। अरे अली जी हुजूर, ये आवाज कैसी आ रही है साहब? हाँ?
वो कुछ देर पहले आपके पास ठाकुर आया था ना, हाँ तो उसी के घर से आ रही है। अरे सुना है आज उसने बहुत भांग पी थी। अच्छा, अपनी बीबी को ही पीट रहा है। गांव के महाजन ने उसे समझाने की कोशिश की, हाँ, तो उनसे भी झगड़ने लगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा अली सुन, मेरा बिस्तर लगा दे, सुबह हम लोगों को निकलना है। जी हुजूर। तैयारी कर ली? जी माँ। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। जी तेरा बेटा। सुखी रहो। जी माँ। अच्छा। खूब तरक्की करो। जी, जी। आप लोगों के साथ इतना समय गुजारा हमने बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते अच्छा हैं। जी। हमें अभी बहुत अच्छा लगा। चलो भी। चलो। चलो। भीड़ है। हाँ। अरे मुझे लगता है ये आखिरी गाड़ी है और सभी डिब्बे ठसाठस भरे हुए हैं। चलो देखते हैं, शायद कहीं कोई जगह मिल जाए। अच्छा ठीक है। अरे बी, हाँ इधर आ। चल यहाँ जगह है, जगह है सामने। जगह बैठ बैठ बैठ। शुक्र है सीट तो मिल गई। कितनी शान से आए थे बैठ कर और अब जा रहे हैं ऐसे सिकुड़े हुए हैं। वैसे एक बात है, अंग्रेजी शासन में दम तो है। अरे ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर है। राजा भी कोई अन्याय करता है किसी पर तो उसे भी अदालत में हाजिरी देनी होती है। अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं। अरे कहीं मेरी गठरी रखने की जगह होगी क्या? अरे अरे भाई, इतनी बड़ी गठरी लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता जा रहा हूँ भैया, माल बेचने। अरे अरे भाई, यहाँ कहाँ आ रहे हो? इतनी बड़ी गठरी लेकर कहाँ आ रहे हो? ओहो, अरे मेरे मुंह पे बार बार मार रहे हो तुम, गठरी लग रही है तुम्हारी, हटाओ इसको, कहीं रखो दूर। अरे मेरा गला दबा दिया। अरे क्यों मार रहे हो बाबूजी? पत्ता भी सही का। हमने भी किराया दिया, आप कोई विशेष नहीं हो। किराया देकर कुछ भी करोगे यहाँ पे? गवार कहीं के। नाजिक हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठ जाते? अरे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे हाथ भी लगाता तो बता देता इसको। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं है। बेचारा थोड़ी देर दरवाजे पर आकर खड़ा ही हुआ था ना, उसमें इतना क्रोध। ये भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे हैं। अरे दफ्तर में घुसपावत नहीं, अरे उसपे इट्टा भी जान। अरे बताओ अभी, क्या है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं ईश्वरी। What an idiot you are! अरे ये बदतमीजी कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। माफ करना ईश्वरी, आप लोग मुझे माफ कीजिए, मैं गलती पर था। मैं अमीर आदमी का स्वांग करते करते अपने आप को भूल गया था, अपनी असलियत भूल गया था। लेकिन आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आईना दिखा दिया। क्या हो गया था मुझे, क्यों कर रहा था मैं ऐसा? ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत गहरे नशे में था और नशे से अभी अभी बाहर आया हूँ। न जाने मुझे क्या हो गया था। चलो वीर। हाँ अभी आप सुन रहे थे नाटक नशा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश आहूजा, एम एच नियाजी, ब्रजमोहन यादव, एस पी इलाहाबादी, एस एम शरीफ, सुनील सक्सेना, संजय वर्मा, राजीव सक्सेना और नीरू अग्रवाल। प्रस्तुति सहयोग अरविंद कुमार का था। नाट्य रूपांतरकार थे विनोद कुमार और निर्देशक थीं विजय लक्ष्मी शर्मा। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।